everyone, welcome to Stu Help. Today we'll be doing question and answers of chapter 1, 2 and 3 from the book Honeydew. So let's get started. इस चैप्टर में हम पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे. पहले हम करेंगे चैप्टर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? तो इसका जवाब होगा, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप. ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था? तो उनको एक रोल टॉप डेस्क मिली थी. व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? उन्होंने वो सीक्रेट जो ड्रॉअर था, जो गोपनीय ड्रॉअर था, उसमें उनको क्या मिला? व्हाट डू यू थिंक, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आपको क्या लगता है कि किसने उसे वहाँ रखा था, उस सामान को? तो ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स. टिन एक मेटल है, उसका बॉक्स उनको मिला छोटा सा सीक्रेट ड्रॉअर में, और उसके अंदर एक लेटर था. और हमें लगता है कि जो रोल टॉप डेस्क के जो ओनर थे, जो उस टेबल के ओनर थे जिनका वो टेबल था, उन्होंने उसमें रखा होगा. अगला कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है उस पर हम आते हैं. हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड वेन? तो किसने लिखा था लेटर, किसके लिए लिखा था और कब लिखा था? जॉन मैकफर्सन ने लिखा था. उन्होंने लिखा था अपनी वाइफ कोनी के लिए, और लेटर की डेट थी दिसंबर 26, 1914 दिसंबर को उन्होंने वो लेटर लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द लेटर रिटन? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? लेटर क्यों लिखा गया था और क्या बहुत ही वंडरफुल थिंग, अच्छी चीज़ वहाँ पे हुई थी? द लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब अ वंडरफुल डे इन जिम्स लाइफ. लेटर लिखा गया था जिम की लाइफ के एक वंडरफुल डे को डिस्क्राइब करने के लिए, जो उनके साथ एक अच्छा दिन था, उनके साथ अच्छे दिन में हुआ था. और क्या क्या हुआ था उस दिन? जो टू आर्मीज थे, ब्रिटिश और जर्मन, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स और जर्मन्स, वो आपस में आ गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. वॉट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? तो जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ के पास क्या जॉब्स थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे? जिम जो था वो एक टीचर था, और हैंस जो था वो एक सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, म्यूजिक ग्रुप में वो ये इंस्ट्रूमेंट बजाता था. हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? हैंस वुल्फ क्या डॉर्सेट कभी गए थे? उन वो क्यों कह रहे थे कि उनको डॉर्सेट के बारे में पता है? तो इसका जवाब है कि वो नहीं गए थे. फोर्थ वर्ल्ड का, He had only read about Dorset. उन्होंने Dorset के बारे में सिर्फ पढ़ा था. किस चीज़ में पढ़ा था? हार्डी, थॉमस हार्डी की नॉवल Far from the Madding Crowd. इस बुक में उन्होंने Dorset के बारे में पढ़ा था. Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? क्या तुम्हें लगता है, आपको लगता है कि Jim McPherson उस लड़ाई से वापस आए थे, वॉर से वापस आए थे? आपको इस बारे में कैसे पता है? तो इसका जवाब है कि Jim McPherson कभी वापस नहीं आए थे. Perhaps, therefore, his wife Connie had preserved his letters. और इसीलिए शायद उनकी वाइफ ने वो लेटर्स बचा कर रखे थे. नेक्स्ट इज, why did the author go to Bridport? जो ऑथर हैं, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, वो Bridport क्यों गए थे? The author went to Bridport to meet Mrs. Jim McPherson. मतलब कॉनी मैकफर्सन से वो मिलने के लिए Bridport गए थे, और उनको जिम का लेटर देने के लिए गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉनी के लिए, उसको मिल जाना चाहिए. How old was Mrs. McPherson now? Mrs. McPherson कितने साल की थी अब, और where was she? वो कहाँ पर थी? McPherson was 101 years old and she was in a nursing home. वो 101 साल की थी, और nursing home जहाँ पे देखभाल की जाती है, उन hospital types. Who did Connie McPherson think her visitor was? Connie को क्या लगा कि उनसे जो मिलने आए हैं, उनसे विजिट करने आए हैं उन्हें, वो कौन है? उनको लगा कि वो उनके husband हैं. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? पूरे चैप्टर में, पूरे टेक्स्ट में ऐसा कौन सा वाक्य है जो बताता है कि जो विजिटर उनसे मिलने आए थे, यानी जो लेखक हैं, उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की? ये जो सेंटेंस है, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. इस सेंटेंस से पता चलता है कि उन्होंने डेस्क के बारे में समझाने की कोशिश की कि उनको मिली है, उनको कैसे मिला उनका लेटर, बट वो सुन नहीं रही थी. तो मतलब उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की. अगला जब हम देखते हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट पे हम आते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट द लेटर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. कॉनी ने कितने समय के लिए वो लेटर रखा अपने पास, आपको क्या लगता है?
कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर टिल जनवरी 25, 1915, क्योंकि वो लेटर जो था उसकी डेट, ये दो डेट्स उसमें मेंशन है, और लेटर जो था 26 दिसंबर 1914 का था। हाउ डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्या लगता है डेस्क को कब बेचा गया और कैसे बेचा गया, क्यों बेचा गया? वाई डू जिम एंड हंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? जिम और हंस को ऐसा क्यों लगता है कि गेम खेलने से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मनमुटाव हैं, उनको वो ठीक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं? तो हम इन दो क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनीज हाउस हैड बर्न्ड। डेस्क तब बेची गई होगी जब कॉनी का हाउस जल गया होगा, क्योंकि डेस्क पे भी हमने देखा कि जले हुए निशान थे स्टार्टिंग में, स्कॉच मार्क्स थे, और बाद में हमने ये भी देखा कि कॉनी का भी घर जल गया था, हॉस्पिटल में थी, नर्सिंग होम में थी। द टेबल हैड बीन डैमेज बाई फायर एज वेल एज वाटर। टेबल थी वो फायर और वाटर से डैमेज हो गई थी, इसलिए उसको बेचा जा रहा था। बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स। दोनों जिम थे जो थे और हैंस दोनों सोल्जर्स थे। उनका दिल बहुत अच्छा था, वार्म हार्टेड थे, अच्छे लोग थे। दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वॉर, और उन्होंने देखा था कि एक जंग से कितनी सफरिंग होती है, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर, इसीलिए वो वॉर से नफरत करते थे, वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, और वो एक पीसफुल सोल्यूशन फेवर कर रहे थे कि एक शांतिपूर्ण सोल्यूशन मिल जाए, एक शांतिपूर्ण ऑप्शन मिल जाए कि डिस्प्यूट्स जो हैं, सारे मनमुटाव जो हैं, वो सब हम रिजॉल्व कर दें, सेटल कर दें और शांति से आगे बढ़ें। गेम ऑफ स्पोर्ट्स दे सेड वर गुड फॉर रिजॉल्विंग, बिकॉज कि वो उनको ऐसा लगता था कि गेम खेलने से, जब हम गेम खेलते हैं, हम क्रिकेट या कोई और गेम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो दो अपोजिट टीम्स हैं वो कभी लड़ाई की तरह नहीं खेलती, एक गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में खेलती हैं कि हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो कोई बात नहीं, तो अच्छे से हम मन से वो बुराई चीज़ें निकाल के अच्छे से खेल सकते हैं और अच्छे से सारे पीसफुल सॉल्यूशंस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ह्यूम, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या आपको लगता है कि दोनों जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो एक दूसरे की तरह थे या एक दूसरे से अलग अलग थे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। अलग अलग तरीके बताइए जिससे कि ब्रिटिश और जर्मन जो सैनिक हैं वो आपस में दोस्त बन गए और एक दूसरे में कॉमन चीज़ें ढूंढ कर उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तो बोलते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स वॉन्ट टू लिव लाइफ हैप्पीली विथ पीस। सारे जो इंसान हैं वो जिंदगी को खुशी से, शांति के साथ जीना चाहते हैं और किसी को भी वॉर पसंद नहीं है। नेक्स्ट जो है उसका आंसर है दे गॉट ओवर हेट्रेड एंड प्लेड गेम्स। उन्होंने हेट्रेड हटा दी, अपने मन से जो दुश्मनी की भावना है वो हटा दी, फीस्ट किया मतलब खाना खाया एक दूसरे के साथ, ड्रिंक किया लाइक जैसे अच्छे दोस्त करते हैं। बोथ हेटेड वॉर, उन दोनों को वॉर से नफरत थी, और बोथ वर एंशियस टू गो विथ, उनको चिंता थी कि अपनी फैमिलीज के बाद वो कैसे जा पाएंगे अपने घर वापस, इसलिए लड़ाई तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब हम आते हैं व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? तो कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट वो इंसान था जो उसके लिए लेटर लेके आया। कॉनी को लगा कि उनके हस्बैंड वापस आ गए हैं वॉर में से, और उन्होंने उस ऑथर को मिसटुक कर लिया, मतलब गलत पहचान लिया कि वो जिम है। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम। तो उन्होंने जब देखा कि उस इंसान को, और वो पहचान नहीं पाई कि उनके हस्बैंड नहीं है, ये लेखक हैं, तो उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया कि ये मेरा सबसे अच्छा तोहफा है जो मुझे क्रिसमस पे आज तक मिला है। सेवेंथ क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट? क्या आपको लगता है कि ये जो शीर्षक है स्टोरी का वो सूटेबल है इस चैप्टर के लिए, वो सही है इस चैप्टर के लिए? आपने आप कोई और टाइटल सोचा है इस चैप्टर के लिए जो सूटेबल हो, जो उपयुक्त हो, तो आप उसको भी बता सकते हैं, ये तो आप अपने मन से ही लिखेंगे। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं, द सुनामी। सुनामी में पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है ट्रू और फॉल्स पे। क्या ट्रू है, सच है ये स्टेटमेंट, या झूठ है ये स्टेटमेंट, गलत है ये स्टेटमेंट? पहला क्वेश्चन है इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। क्या इग्निशियस ने अपने दो बच्चे, अपने फादर इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को यानी ससुर को और साले को, और अपनी पत्नी को और दो बच्चों को खो दिया था सुनामी में? ये सेंटेंस सही है, ट्रू है। नेक्स्ट है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। क्या वो सेफली मतलब रह गए थे बाद में सुनामी के? नहीं। मेघना वॉज सेव बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या ये सही है या नहीं? नहीं, ये सही नहीं है। हमने ये जाना था कि मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बहुत बार वो देख ही नहीं पाए मेघना को। मेघना ने देखा कि रिलीफ हेलीकॉप्टर है बट वो नहीं देख पाए, तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है, उनको नहीं बचा पाए थे वो। अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आईलैंड। क्या अल्मास के पापा को समझ में आ गया था?
नहीं, उनको समझ में आ चुका था कि यही सुनामी है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसके पापा को समझ में आ गया था. हर मदर एंड हर हैंड्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू. ये भी सेंटेंस सही है. उसकी मम्मी और जो उसकी आंट्स थी उनको भी ट्री के साथ वो लटके हुए थे, बट उनको सुनामी बहा कर ले गई. नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन चेक. अब इसको हम आंसर करना है एक एक सेंटेंस में. लिखा है क्या, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस. वन सेंटेंस आंसर्स चाहिए इसमें. व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड. टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी, वो क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड आई थी. व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ. क्या वार्निंग साइंस थे, किन चिन्हों को देखकर उन्हें समझ में आया, किन चीज़ों से उन्होंने पहचाना कि सुनामी है. बोथ सॉ द सी राइज, उन्होंने दोनों ने देखा कि जो समुद्र है वो उठने लगा है एंड फोम बनने लगा है एंड वर्लपूल्स बनने लगे हैं. तो बोथ सॉ द सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फोम एंड फॉर्म वर्लपूल्स. डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम. नो, हमें ये नहीं पता, हम ये कहेंगे कि टिली की मदर को नहीं समझ में आया, वो अलार्म्ड नहीं थी, वो चौक मतलब अलर्ट नहीं हुई इन सारे सिग्नल्स से. वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन. कहाँ पे टिली ने देखा था कि समुद्र जो है इसी तरह से सेम स्ट्रेंज अजीब से तरीके से बिहेव करता है. टिली ने ये एक वीडियो में देखा था जो उसकी मैम ने उसे ज्योग्राफी लेसन में दिखाया था. वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी. स्मिथ फैमिली जो थी, मतलब टिली की जो फैमिली थी वो और बाकी लोग जो बीच पे थे, वो कहाँ एस्केप करने, कहाँ पे बचने के लिए गए सुनामी से. वो थर्ड फ्लोर पे गए अपने होटल की और वो लोग बच गए. हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट. फुकेट में टिली ने जो किया उसको सोचकर जब उनको पता चलेगा उनकी ज्योग्राफी टीचर को, तो वो क्या सोचेंगे उसके बारे में. वो प्लीज्ड और सैटिस्फाइड होंगी, उनको खुशी होगी इस बात से, ये भी हम लिख सकते हैं. वो हैप्पी होंगे और वो प्राउड भी फील कर सकती हैं इस बात से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड. हाउ मेनी एनिमल्स डाइड. आपको क्या लगता है कि कितने जानवरों की डेथ हुई थी सुनामी में, कितने जानवर मर गए थे. वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन सुनामी, बहुत कम एनिमल्स जो थे वो सुनामी में मरे. हाउ लॉन्ग पीपल एंड एनिमल, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क. याला नेशनल पार्क में कितने आदमी और कितने जानवरों की डेथ हुई. 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स, 60 जो विजिटर्स थे जो घूमने आए थे वहाँ पे वो, और 2 एनिमल्स की. वॉट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क. लोग क्या कहते हैं याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में, के हाथियों के बारे में. वॉट डिड द डॉग्स इन गाले डू. पहले हम कहेंगे कि पीपल से दैट एलिफेंट्स जो हैं वो एक घंटा पहले ही कोस्ट जो है मतलब समुद्र का जो किनारा है उससे भाग गए थे. पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच, बीच पे से और भाग गए थे एन आवर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट. सुनामी जैसे ही किनारे तक पहुंची उससे एक घंटा पहले ही बीच से भाग गए थे सारे के सारे हाथी. डॉग्स के बारे में क्या कहा गया है गैले में, तो कहा गया है कि डॉग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया बीच पे जाने के लिए उस दिन. डॉग्स जो है वो रोज़ जाते होंगे बीच पे, लेकिन उन्होंने उस दिन मना कर दिया क्योंकि उनको शायद पहले से आइडिया था. वर्किंग विद द टेक्स्ट पे हम आते हैं. तो क्वेश्चन इज कि व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमिडिएटली वरिड अबाउट अ सुनामी. जब इग्निशियस को अर्थक्वेक समझ में आया, उसको भूकंप का एहसास हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो तुरंत से डर गया था, वरिड हो गया था, परेशान हुआ था सुनामी से. अपने रीजंस दीजिए अपने आंसर के लिए. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन. किस वाक्य से आपको पता चलता है कि इग्निशियस की जो परिवार है उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो बातचीत कर सकें सुनामी के बारे में या प्लान कर सकें कि कैसे भागना है. नो, इग्निशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी. उसको नहीं समझ में आया था. ही थॉट दैट इट मस्ट बी एन अर्थक्वेक. उसको लगा था कि शायद एक अर्थक्वेक होगा, भूकंप होगा. सो ही टुक द टेलीविजन ऑफ द टेबल. उन्होंने टेलीविजन उठा के जमीन पे रख दिया एंड ग्राउंड पे रख दिया. हिज फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन. और जो सेंटेंस है वो आप खुद ढूंढ के पता करेंगे कि किस सेंटेंस से पता चलता है कि वो उनको टाइम नहीं मिला था. अगला जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें हम ये ब्लैंक्स देखते हैं. पहला जो है दैट इज संजीव के बारे में आपका क्या ओपिनियन. आपको संजीव के लिए कुछ वर्ड्स ढूंढ के इसमें से लिखने हैं. अगला है आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल कॉमा डैश और डैश. आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव डैश एंड डैश. तो इसमें हम देखते हैं
कि ब्रैश का मीनिंग सबसे अलग है. तो ब्रैश का मतलब होता है रूड, जो थोड़ा आपसे सही से बात ना करे और रफली बात करे, रूड इंसान हो उसको ब्रैश कहते हैं. तो इसमें आप अपने मन के सेंटेंसेस वर्ड्स ढूंढ के भर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये आंसर्स लिख दिए हैं. अगला क्वेश्चन है, हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर. मेघना और अलमास की स्टोरी कैसे सिमिलर थी. मेघना और अलमास दोनों के दोनों जो थे लकी थे, मतलब वो बच गए सुनामी से. मेघना भी अपने पेरेंट्स के साथ बह गई थी, बट वो अकेली बची, अलोन सर्वाइव कर पाई वहाँ पे. और अलमास जो थी उसकी भी पूरी फैमिली चली गई और वो भी अकेले बची एक लॉग ऑफ वुड पे अटक के. तो ये आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर. व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस. क्या अलग अलग तरीके हैं जिस तरीकों से टिली के जो माँ बाप थे वो रिएक्ट कर सकते थे, वो इस बात पे जवाब दे सकते थे उसके बिहेवियर को देख के, और अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते. तो टिली के पेरेंट्स जो हैं वो कभी ऐसा भी तो कह सकते थे कि तुम अभी बहुत छोटी हो इस चीज़ को समझने के लिए, या हम तुम पे विश्वास नहीं करते, तुम चुप रहो, या तुम क्या कह रही हो हमारी समझ के बाहर है. लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो एक्चुअली उसकी बात को माना. तो आंसर क्या है, टिलीज पेरेंट्स कुड हैव सेड दैट यू आर वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दैट. तुम बहुत छोटी हो कुछ ऐसी चीज़ समझने के लिए, और वी डोंट बिलीव यू, हमें तुम पे विश्वास नहीं है, तो तुम चुप रहो. इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ टिलीज पेरेंट्स, अगर मैं होंगी तो मैं क्या करूँगी, शायद मैं उसको बिलीव नहीं करूँगी और हो सकता है उसको डांट भी दूँ कि तुम ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रही हो, उसको स्कोल्ड कर दूँ. इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, आपको क्या लगता है कि उसे किसके साथ शेयर करना चाहिए अपने अवार्ड को, अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ. तो ये बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि उसे अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज उसी ने उसे समझाया कि सुनामी होती क्या है एक्चुअली, और वो समझ पाई इस चीज़ को. वॉट आर द टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी. विच आइडिया डू यू थिंक मोर बिलीवेबल. क्या दो आइडियाज़ हैं, क्या दो थिंकिंग है कि एनिमल्स बहुत कम क्यों मरे सुनामी में, और इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा आइडिया कौन सा बिलीवेबल लगता है. तो वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, परहैप्स दे फील द ट्रेमर मच बिफोर ह्यूमंस डू. पहला आइडिया क्या है कि उनको जो ट्रेमर्स हैं, जो उनको थरथराहट है, वो इंसानों से बहुत पहले ही पता लग जाती है. दूसरा आइडिया क्या है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस है, वो डिज़ास्टर को गेस कर लेते हैं और वो सेफर प्लेसेस तक भाग जाते हैं सही सलामत होने के लिए. और मुझे ये लगता है, ये मेरा ओपिनियन, आपका कुछ और भी हो सकता है, कि सिक्स्थ सेंस एनिमल्स के पास होती है इसलिए वो भाग जाते हैं. तो आप अपना ओपिनियन लिख सकते हैं इसमें. नेक्स्ट चैप्टर इज ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर वन एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी. हु इज़ द सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर. बोलते हैं कि आप पहली पिक्चर को देखिए, पहली तस्वीर को देखिए और याद करिए कि ओपनिंग लाइन्स क्या है इस ओरिजिनल सॉन्ग की जो इंग्लिश में लिखा गया है, गा कौन रहा है और आप तस्वीर में किस किस को देख रहे हैं. तो ओपनिंग लाइन्स अगर आप देखेंगे तो वो है, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए. आपने ये गाना ज़रूर बहुत बार सुना होगा. ये लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया है और हम तस्वीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और भगत सिंह को देख सकते हैं. द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्कर्ड बाई यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स द गन्स एंड डिप्लोमेसी. तो पिक्चर टू के बारे में जब पूछा जाता है कि सुपीरियर वेपन्स क्या हैं, तो सुपीरियर वेपन्स से ये मतलब है कि उनके जो वेपन्स थे, उनके जो हथियार थे, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, और उनके जो गन्स थे हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे. और डिप्लोमेसी मतलब कि कूटनीति कहेंगे इसको हिंदी में, वो उनका दिमाग है कि कैसे चाल चलनी है, कैसे हम सब पे अटैक करके हमें हासिल कर लेना है, ये बहुत अच्छा था हमसे, उनका दिमाग आगे चलता था. थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज़ एन आर्टिसन. आर्टिसन कौन है, वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड. तो पूछते हैं कि आर्टिसन होते कौन हैं और आपको क्यों लगता है कि जो आर्टिसन थे वो सफ़र करते हैं. आर्टिसन जो हैं वो शिल्पकार कहते हैं उसको, क्राफ्ट्समैन होते हैं. तो वो जो कारीगर होते हैं वो कुछ व्यापार करते हैं, कुछ ट्रेड में, किसी अलग तरह के व्यापारों में, मतलब स्किल्ड होते हैं, उनको वो आता है. उन्होंने क्यों सफ़र किया, बिकॉज इंडियन मार्केट में उनकी डिमांड कम होने लग गई. उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनकी जो डिमांड थी, ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, वो फॉरेन से बड़ा सस्ता आने लगा, तो उनको सफ़र करना पड़ा.
विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट? कौन सी पिक्चर रिवील करती है? तो पिक्चर 7 रिवील करती है फायर स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट, फर्स्ट पार्क. नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं. वर्किंग विद द टेक्स्ट पे, वर्किंग विद द टेक्स्ट में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं. डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? क्या आपको लगता है कि इंडिया के जो राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे, ज़्यादा नहीं सोचते थे कि अच्छा ये चीज़ें अभी कर लेते हैं तो आगे फ्यूचर में कितना फ़ायदा होगा, बस पास की चीज़ें सोचते थे कि अभी क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं. आपको क्या ये लगता है 1757 के इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए? तो इसका आंसर है येस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच. उनकी जो अप्रोच थी, तरीका था काम करने का, उसमें वो शॉर्ट साइटेड थे, दूर की सोच नहीं रखते थे. दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश. वो एक दूसरे से लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके, एक राजा दूसरे राजा से लड़ लेता था, तो वो आगे की नहीं सोचते थे. दस द ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर्स, और ब्रिटिश जो हैं वो रूलर्स बन गए हमारे इन कारणों के द्वारा. हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? हम यहाँ पे पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे सबड्यू किया इंडियन प्रिंसेस को. सबड्यू का मतलब होता है वश में करना. तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के राजाओं को अपने वश में कर लिया? द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड. उन्होंने अपने पूरा फैल गए वो इंडिया में, स्प्रेड देयर विंग्स मतलब अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए. दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर. और वो क्या करने लग गए, एक जो राजा था उसको सपोर्ट करते थे ताकि वो दूसरे राजा को अपने आप लड़ झगड़ के उससे निपटारा कर ले, और ऐसे कर करके उन्होंने 2-3 राजाओं से दोस्ती कर करके पूरे में अपने आप को फैला लिया. एज अ रिजल्ट पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड्स. और धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर कोई राजा उनके लिए काम कर रहा है तो मतलब वो उनके अंडर आ गया, तो ऐसे करके उन्होंने पूरा एरिया अपने अंदर कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोट द वर्ड्स यूज बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स. उन्होंने किन शब्दों के द्वारा ये समझाया था कि हर जो रिलीजन है, हर जो जाति है, वो सेम प्रिंसिपल सिखाती है, उनके सारे नियम जो हैं वो सेम होते हैं. तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही थी कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि जो गायें हैं वो अलग अलग कलर किसकी होती हैं, लेकिन जो उनसे दूध आता है वो सेम कलर का होता है, इससे हमें पता चलता है कि वो ये ओपिनियन देना चाहते थे कि अलग अलग जातियों में अलग अलग तरह के नियम हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो सब सेम ही होता है हर जाति में. उनके बाद क्वेश्चन आता है, नेम दिस पीपल, इन लोगों के नाम बताइए जिन्होंने ये चीज़ें उनके अंदर हैं. द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग. कौन सा रूलर है जिसने लड़ते लड़ते ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी जान गंवा दी? नेक्स्ट जो है वो है द पर्सन हु वॉन्टेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी. ऐसा कौन सा इंसान है जो सोसाइटी को बदलना चाहता था, सही करना चाहता था? तो पहले का आंसर हम देखेंगे. पहले का आंसर जो है टीपू सुल्तान जो मैसूर से थे, और दूसरे का आंसर है राजा राम मोहन रॉय बंगाल के. अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. किसने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट किया था, रिकमेंड किया था? तो लॉर्ड मैकले हैं इसका आंसर. और नेक्स्ट का आंसर है नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल. ये क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं. जो टू पॉपुलर लीडर्स जिनको आपको लगता है रिवोल्ट स्टार्ट किया उन्होंने, और आप इसमें लिखा है चॉइसेस मे वैरी. मतलब क्या होता है इस बात का कि सबकी चॉइसेस इसमें अलग हो सकते हैं. आपको क्या लगता है कि रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया था? तो हमने आंसर देखा वो, और रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, तो आपका कोई और आंसर भी हो सकता है. अब क्वेश्चन 4 हमने छोड़ दिया था गलती से, तो हम उस पर आते हैं. इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉयट इंडियंस. किन तरीकों से ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इंडियंस को परेशान किया, एक्सप्लॉयट किया, दबा के रखा? द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रिजोल्यूशन. उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट. तो जिसमें कि इंडियंस को जेल भेजा जा सकता था बिना कोर्ट में ट्रायल के, बिना मौका दिए कि अपनी बात रख सके. कोई क्राइम करता हुआ दिखे ना दिखे, अगर फंस गया तो उसको सीधा उठा के जेल में डाल दो, उसको मौका नहीं मिलेगा सफाई देने का कि मैंने किया है या नहीं किया है. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी. जो गुड्स थे, जो माल था, जो मैन्युफैक्चर होता था इंग्लैंड में, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था कस्टम ड्यूटी से, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था.
द ऑफिसर्स प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, और जो ऑफिसर्स थे जो कंपनी जो लूट रही थी लोगों को, उस पर उनकी बरकत हो रही थी, वो आगे बढ़ रहे थे, एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लरिश्ड, और उनका जो प्राइवेट बिजनेस था वो भी आगे बढ़ रहा था. मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन. दो ऐसे एग्जाम्पल्स देने जिससे कि पता चलता है कि उस टाइम पे क्या सोशल प्रैक्टिसेस चल रही थी. तो इसका आंसर करेंगे फिर टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स. तो ऑप्रेसिव की जब हम बात करते हैं तो हम ऑप्रेसिव किस चीज़ को बोलते हैं, जैसे दबाया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी दो पॉलिसीज थी, कौन से नियम थे जिनसे पता चलता है कि इंडियंस को दबाया जा रहा था ब्रिटिशर्स की, ऐसी कौन सी पॉलिसी थी. और सोशल प्रैक्टिसेस जो आते हैं हम उस पर, तो सोशल प्रैक्टिसेस क्या हुए, सामाजिक प्रथाएं जो हैं उस टाइम पे क्या चल रही थी. तो इन दोनों का एग्जांपल अब हम देखते हैं. तो पहले का एग्जांपल है अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज. ये जो दो प्रथाएं हैं सामाजिक प्रथाएं वो चल रही थी, छुआछूत और बाल विवाह. दूसरा क्वेश्चन का आंसर है द ब्रिटिश मास्टर्स अलाउड इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री. उन्होंने इंडिया में इम्पोर्ट करना अलाउ कर दिया, टैक्स फ्री इम्पोर्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा वहाँ से आते हुए सामान का. इससे कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो गया, उन्होंने बर्बाद कर दिया, रुइन कर दिया उनको. उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं टू वेज इन विच पीपल सफर्ड एंड फोर रीजंस फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. दो कारण जिनसे लोगों को बहुत दुख सफर करना पड़ा, उनको नुकसान उठाना पड़ा. तो उसमें आता है कि फार्मर्स वर टैक्स्ड हैवीली. फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, मतलब. और थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट. जो स्किल्ड वर्कर्स थे जिनको काम आता था उनके अंगूठों को काट दिया गया ताकि वो काम ही ना कर पाए, बिना अंगूठे के तो कोई काम कर ही नहीं सकता है. और जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, कर देना पड़ रहा था. लास्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है चार रीज़न देने हैं हमें कि डिसकंटेंट That led to the 1857 War of Independence. तो हमें चार रीज़न देने हैं कि क्यों ऐसा, क्या डिसकंटेंट हुआ, असंतोष क्या हुआ ऐसा जिससे कि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई, ऐसा असंतोष क्या था. तो पहला हम आते हैं संथल्स हु लॉस्ट देयर लैंड बिकेम डेस्परेट एंड दे रिवोल्टेड. जो संथल्स थे उन पर नियम लगा दिया गया था कि मतलब लैंड ब्रिटिशर्स ले रहे थे, उनकी ज़मीन हड़प रहे थे, तो उससे वो उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया. सिपॉयज जो थे, जो सैनिक थे इंग्लिश आर्मी में, उनको बहुत कम पैसा दिया जा रहा था वाइट सोल्जर्स के कंपैरिजन में. उनके अगर हिसाब से देखें तो जो गोरे सैनिक थे उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा था और इंडियंस को कम पैसा मिल रहा था, तो उन्होंने शुरू किया. ब्राह्मण्स जो थे वो फ्यूरियस हो गए, और जो मुस्लिम्स थे वो भी फ्यूरियस हो गए क्योंकि उनको बुलेट्स को बाइट करने को कहा जा रहा था, चाटने को भी कहा जा रहा था, लिक करने को, जिस जो काउ फैट और पिग फैट से बनाया. तो ये दोनों, इन दोनों धर्मों में अलाउड नहीं है, तो उनको भी गुस्सा आ रहा था. मैनी लैंडलॉर्ड्स वर सोर. जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे वो सोर थे बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज डिप्राइव देम ऑफ देयर लैंड एंड इस्टेट. तो कहते हैं कि बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सोर थे क्योंकि उन ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिश के जो नियम थे, उससे सोर होना मतलब कि खट्टा, मन खट्टा हो जाना, दुखी हो जाना. वो उनको उनकी लैंड से और उनके एस्टेट से, उनका पूरा जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनसे डिप्राइव कर रहे थे, दूर कर रहे थे और उससे मजबूर कर रहे थे कि वो उनसे हट जाएं. तो ये चार नियम हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो सारे क्वेश्चन आंसर्स पहले तीन चैप्टर के. आगे भी हम अगले तीन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स इसी तरह लाते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.